हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक डोमिनो। दोस्तों आज हमारे पास है ये अमेरिकन एक्सप्रेस यूएस प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। तो चलिए पहले इसको खोलते हैं, देखते हैं इस कार्ड को, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप इंडिया से इजीली यूएस का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो और कैसे मैंने इंडिया से यूएस का क्रेडिट कार्ड लिया है। ये रहा हमारा एमएक्स प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड का बॉक्स। इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करते ही पहले आपको एमएक्स प्लैटिनम कार्ड दिखेगा। इसको साइड में रखते हैं और पेपर के बारे में पहले बात करते हैं। ऊपर में आपको पहले कुछ पेपर दिखेगा। इसमें कार्ड का जो बेनिफिट है, किसमें कितना रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा, कितना होटल क्रेडिट, कितना फ़्लाइट के वाउचर या फिर कितना फ़्लाइट के लॉन्च एक्सेस आपको मिलेगा, ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। और पैकेट के ऊपर आपको और एक एनवलप देखने को मिलेगा। इसमें जो कार्ड का टर्म्स एंड कंडीशन है और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, ये सब कुछ इसमें मेंशन होता है। ये सब कुछ पेपर के बारे में उतना ज़्यादा बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है। और ये रहा हमारा यूएस का एमएक्स प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। दोस्तों इंडिया से यूएस का क्रेडिट कार्ड लेना उतना इजी प्रोसेस नहीं है, पर हाँ इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आपको इंडिया से यूएस का क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपके पास कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर वन, आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना होगा। नंबर टू, आपके पास यूएस का एक फिजिकल एड्रेस होना ज़रूरी है। घर का एड्रेस चाहिए, पीओ बॉक्स का एड्रेस नहीं चलेगा। और कभी कभी कार्ड इशूअर आपके जो घर का एड्रेस आप देंगे उसका प्रूफ भी मांग सकता है। तो आपके नाम पे एड्रेस प्रूफ भी होना ज़रूरी हो सकता है, कभी कभी मतलब लग सकता है आपको। और नंबर थ्री है, आपके पास यूएस का एक फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐप आते हैं, वहाँ से आप फ्री में या फिर खरीद के फ़ोन नंबर ले सकते हो यूएस का। नंबर फोर, आपके पास यूएस का एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड के बिल बैंक अकाउंट से ही पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड या फिर दूसरे तरीके वहाँ पर नहीं है। तो आपके पास एक यूएस का बैंक अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। यह भी इजीली आपको मिल सकता है। एल्ड्रा बोल के एक डिजिटल बैंक आते हैं जो कि इंडियन यूज़र को इजीली यूएस का बैंक अकाउंट दे देते हैं। मेरे पास उसका डेबिट कार्ड है, वेलकम किट है, तो उसके बारे में डिटेल वीडियो और एक बार चैनल पर आ जाएगा। नंबर फाइव, यूएस का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब ITIN या फिर सोशल सिक्योरिटी नंबर SSN आपके पास होना ज़रूरी है। मतलब मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड इशूअर इसके लिए आपको पूछेगा ही सोशल सिक्योरिटी नंबर या फिर ITIN। पर एक प्रोसेस है, एक कार्ड इशूअर है जो कि आपको ITIN या फिर SSN नहीं पूछेगा। उसके बारे में आपको आगे डिटेल में जानकारी मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ये सब कुछ है तो आप इजीली यूएस का क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको इजीली मिल भी सकता है। यूएस का जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसमें से सबसे इजीली इंडियन लोगों को मिलता है अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड। अमेरिकन एक्सप्रेस के क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास इंडिया में है तो उसके रिलेशनशिप के बेसिस पे आप यूएस में भी वो क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। और उसके लिए आपको ITIN या फिर SSN नहीं देना होगा। और अगर आप लकी होंगे तो आपको अमेरिकन एक्सप्रेस आपके एड्रेस प्रूफ भी नहीं मांगेगा। मतलब अगर आपके कोई फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर यूएस में है तो उनका एड्रेस आप यूज़ करके ईजिली ये कार्ड ले सकते हो। तो मैंने कैसे ये कार्ड लिया है उसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा। मतलब पूरा प्रोसेस कैसे होता है वो आपको बिल्कुल सही आइडिया मिल जाएगा। मेरा एक दोस्त है यूएस में, उनका जो एड्रेस है उसका एक एड्रेस प्रूफ मेरे नाम पे मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैंने ऑनलाइन एमएक्स कैश मैग्नेट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। और जैसे कि मेरे पास इंडियन अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है तो मुझे एमएक्स ने ITIN या फिर SSN नहीं मांगा। एक वेबसाइट है नोवा क्रेडिट बोल के, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। उस वेबसाइट में जाके आप इंडियन क्रेडिट हिस्ट्री को यूज़ करके यूएस में अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने भी ऐसे ही अप्लाई किया था और मेरा कार्ड विद इन 5 मिनट इन प्रिंसिपल अप्रूव हो गया। और उसके बाद मुझे एक मेल आया कि मुझे एमएक्स जो यूएस का कस्टमर केयर नंबर है वहाँ पे कॉल करना है, टोल फ्री नंबर है, कॉल करना है और कॉल करके उनसे बात करना है, कुछ चीज़ों का एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है उनको। तो मैंने स्काइप से उस नंबर पे कॉल किया क्योंकि स्काइप से यूएस का टोल फ्री नंबर में फ्री में कॉल हो जाता है। कॉल करने के बाद जो एमएक्स का एग्जीक्यूटिव था उन्होंने मुझे बोला
कि आपके कार्ड अप्रूव हो जाएगा, पर आपको एड्रेस प्रूफ सबमिट करना है। तो मैंने, मेरे पास तो एड्रेस प्रूफ ऑलरेडी था, तो मैंने बोला कि हाँ मैं सबमिट कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा, उसमें एक लिंक था, वो लिंक ओपन करके मैंने मेरा जो एड्रेस प्रूफ था उसको अपलोड कर दिया। और ऑन द कॉल 10 मिनट मुझे होल्ड करना पड़ा, और उसी कॉल पे मेरा कार्ड फाइनली अप्रूव हो गया और मुझे एमएक्स कैश मैग्नेट कार्ड मिल गया। और एमएक्स का ये कार्ड मिलने के बाद नेक्स्ट डे मैंने एमएक्स प्लैटिनम कार्ड के लिए भी अप्लाई कर दिया, और विद इन 1 मिनट मेरा कार्ड अप्रूव हो गया। मुझे कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट और सबमिट नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एमएक्स के कार्ड ले लिया था। तो अगर आपको एमएक्स का कार्ड लेना है तो ऐसे आप ले सकते हो, पर अगर आपको चेज या फिर दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना है तो ऐसे अप्लाई नहीं हो पाएगा। फिर आपको ITIN या फिर SSN सबमिट करना होगा। SSN मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, आपके पास वर्क वीजा या फिर US का PR होना ज़रूरी है। पर अगर आप SSN नहीं ले सकते तो ITIN आप इंडिया से भी ले सकते हो, उसका एक अलग प्रोसेस है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप कॉमेंट कर सकते हो, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना सकता हूँ। मेरा टारगेट है नेक्स्ट चेज सफेयर प्रीफर्ड क्रेडिट कार्ड लेना, पर देखते हैं कि वो मिल पाता है कि नहीं। US का जो क्रेडिट कार्ड है वो इंडिया में यूज करने के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर आपके US में कुछ स्पेंडिंग है या फिर आप बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो US का क्रेडिट कार्ड आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, पर इंडिया में यूज करने के लिए इंडियन क्रेडिट कार्ड बेटर है। US के क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम इंडिया जैसा ही है, पर US के क्रेडिट कार्ड का मेन बेनिफिट है उसका वेलकम बेनिफिट। वेलकम में आपको बहुत ज्यादा ऑफर दिया जाता है, मतलब कैश रिवॉर्ड या फिर पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा दिया जाता है, तो वही मेन बेनिफिट होता है US का क्रेडिट कार्ड का, और इसीलिए मैंने वो क्रेडिट कार्ड लिया भी है। अगर आपको US का क्रेडिट कार्ड लेना है तो मेरे ख्याल से आपको US का MX क्रेडिट कार्ड पहले लेना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक मैंने दिया है अब वहाँ से अप्लाई कीजिए। अगर आपके कार्ड अप्रूव हो जाता है तो आपको amazon.com का $50 का एक वाउचर मिलेगा। और अगर आपको किसी भी स्टेप पे हेल्प चाहिए तो आप ट्विटर में मुझे टैग करके ट्वीट कर सकते हो, उसमें आपको मैं हेल्प कर पाऊंगा। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।